नमस्कार, जी टीवी में आपका स्वागत है। बुलंदशहर क्षेत्र में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ के मुख्यालय पर आयुक्त ग्रामीण डाक कर्मचारी की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार चलती आ रही। सोमवार को सभी कर्मचारी डाकघर मुख्य पर एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए हाथों में कटोरी और चम्मच लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने जुलूस निकालते हुए अंसारी रोड से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को ज्ञापन सौंपे। कर्मचारियों ने बताया कि जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन भी जारी रहेगा। कर्मचारियों की सातवें वेतन के आयोग की मांग के साथ ग्रामीण डाक कर्मचारियों की सेवा शर्तें भी सुधार हेतु उन्होंने मांग किया, जिसका उन्होंने पहल किया कि इससे कई महीनों पूर्व ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक इस पर पहल नहीं किया जा रहा है। बार बार केंद्र सरकार द्वारा लापरवाही बरती जाने से क्षुब्ध होकर स्थानीय सभी डाक कर्मचारी मुख्य डाकघर के कार्यालय उपस्थित होकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। हमारी एक नियुक्ति की थी कमलेश चंदा कमेटी की, भारत सरकार के द्वारा ही वो नियुक्ति थी, जिसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 16 में दे दी थी और सबका हो गया, सातवां वेतन सबका लग गया, हमारा आज तक नहीं लगा। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि एक तो हमें नियमित किया जाए और हमारा सातवां वेतन तुरंत लागू किया जाए, वरना हम अपनी हड़ताल तभी समाप्त करेंगे। तब तक ये हमारा सातवां वेतन और हमारी जो ये मांगे हैं ये पूरी नहीं हो जाती, उसके लिए हम बराबर संघर्ष करते रहेंगे। हम एकजुट हैं, हम पूरे भारतवर्ष में 270,000 GDS हैं जो हर तरह से तैयार हैं, हर तरह से सक्षम हैं, लड़ने बनने को तैयार हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हमारा ये प्रदर्शन चलता रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा।